गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आई हूँ लोनावाला खंडाला घूमने के लिए, और इसका वीडियो, इसका ब्लॉग बनाने के लिए, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो दिखाने के लिए कि आप कौन से टूरिस्ट प्लेसेस, आप कौन से ऐसी जगह घूमें जहाँ पर आप बहुत अच्छे से लोनावाला में डे स्पेंड कर सको। तो हम डे स्पेंड करने आए लोनावाला में और यहाँ के सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स देखने के लिए। तो बस आप भी मेरे साथ इन सारे स्पॉट्स को एंजॉय करिए। लोनावाला भारत के महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट का एक हिल स्टेशन है। लोनावाला पुणे से लगभग 64 किलोमीटर वेस्ट में और मुंबई से लगभग 96 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है। लोनावाला जाने के लिए रेलवे, रोडवे और एयरवे तीनों सुविधा है। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है पुणे। लोनावाला अपने ब्यूटीफुल लेक्स, माउंटेन्स, वैली व्यू और गुफाओं के लिए फेमस है। यहाँ रहने के लिए होटल्स, विलास, रिजॉर्ट्स और लॉजेज अवेलेबल है, और खाने के लिए भी बहुत वेल नोन है। यहाँ की चिकी, फज और मिसल काफ़ी फेमस है। लोनावाला मेन सिटी में आपको हर तरह का स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। लोनावाला आने का बेस्ट पीरियड है मॉनसून और विंटर्स, जो कि जून टू सितंबर और नवंबर टू मार्च यहाँ का वेदर बेस्ट होता है। आज हम लोनावाला और खंडाला के लोकल पॉइंट्स विजिट करने आए हैं, तो चलिए लेते हैं इसकी मजा। कार्ला केव्स के यहाँ हमने दिए पार्किंग चार्जेस। टोटल यहाँ पर है 500 स्टेप्स, लेकिन हमने कार पार्क की थी ऊपर, जहाँ से हमें सिर्फ 150 स्टेप्स ही चलना पड़ा। गाइज, हम पहुँचे हमारे पहले स्पॉट पे लोनावाला के, जो है कार्ला केव्स। तो यहाँ पर हम विजिट करेंगे कार्ला केव्स को, और उसके साथ साथ यहाँ पर है एकवीरा आई यानी एकवीरा देवी का मंदिर भी है, तो बस इसे भी विजिट करेंगे। और यहाँ पे कुछ इनकी एंट्री फीस भी है, तो बस मैं आपको बता रही हूँ वो एंट्री फीस। तो ये एंट्री फीस देने के बाद हम चलेंगे और देखेंगे कार्ला केव्स को। गाइज, यहाँ पर है इनकी टिकट के लिए विंडो, जहाँ पर आपको टिकट्स ख़रीदनी होती है। तो अगर आप इंडियन हो तो आपके है 25 रुपीज़, और आप फॉरेनर विजिटर हो तो आपके है ₹300। और उसके साथ साथ अगर आप कैमरा यूज़ करने वाले तो उसके आपको 25 रुपीज़ अलग से पे करने होते हैं। तो बस अब ले गया हम हमारा टिकट। कार्ला केव्स महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में कार्ली में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। एक प्राचीन बुद्ध गुफा है। यह लोनावाला सिटी से अराउंड 11 किलोमीटर के दूरी पर है। इसका निर्माण प्रथम शताब्दी बिफोर क्राइस्ट से 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो चलिए इसे देखते हैं। ये है कार्ला केव्स की एंट्री। चलिए अभी अंदर चलते हैं।
कारला की जो मेन केव है उसके अंदर, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो तपस्या करने को, साधना करने को बैठते थे। ये केव की बहुत ही अच्छी बात है, अराउंड 14 to 15 feet हाई है, वुडन एंगल से ऊपर सीलिंग को लोगों ने सपोर्ट किया है, साइड में स्टोन कट पिलर्स है और माउंटेन को कट करके बनाई गई है, सेपरेटली बनाई नहीं गई है। और इसकी दूसरी स्पेशल चीज़ ये है कि बाहर कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, अंदर एकदम कूल फील होता है, ज़रा भी गर्मी नहीं होती है ना, एकदम कूल है, एकदम एटमॉस्फेयर यहाँ का कूल है, मतलब आपको लगेगा थोड़ी देर यहाँ पर शांति से बैठ जाए। हम प्रॉपर मॉनसून में भी नहीं और ना ही समर्स या विंटर्स में आए, हम मिड में आए हैं, हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर थोड़ा सा सनी वेदर है आज, मतलब इतना कुछ मॉनसून जैसा हमें नहीं लग रहा है इसके उसके बाहर, लेकिन उसके बावजूद अंदर आने के बाद काफ़ी कूलनेस है और बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। और ये केव कम्प्लीटली नेचुरली सनलाइट से लिटन अप है, अंदर कोई भी लाइट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कितनी ब्राइट है अंदर से ये केव। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है इस गुफा का, पिलर और पिलर के ऊपर बनाई गई मूर्तियां बहुत ही प्राचीन कलाकृति का नमूना है और ये अति सुंदर दिखती भी है। तो गाइज अभी हम ये मेन केव के जो बगल वाली केव है, जो साइड केव है उसे कह सकते हैं, उसमें आए हैं। ये भी पूरी देखिए माउंटेन को कट करके, रॉक कटिंग करके बनाई गई है, उसके डोम शेप का कैसे यहाँ पे कटिंग किया हुआ है। और ये केव्स बहुत ही पुरानी, अराउंड 1000 years से ज़्यादा पुरानी है, तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पर ये कैसे बनाई गई होगी। तो गाइज जैसे कि हमने वो मेन केव में देखा, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स की साधना करने की केव थी, तो यहाँ पे उनकी जो स्टे के लिए जो है, उनके जो सेल्स है या जो उनके रूम्स है वो है, अंदर काफ़ी अंधेरा है रूम्स में, पर ये उनके रूम्स है, आप देख सकते हैं, इन रूम्स में वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप गौतम बुद्धा की स्टैचू भी है बाहर, और ये पूरी बाहर की एक केव है, बाहर का वो पैसेज है रूम्स के बाहर का। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये नेचुरली ऊपर से जो पानी का वाटरफॉल है छोटा सा, जो ये कारला के उसकी पहाड़ों पे से आ रहा है ऊपर से, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होता है, ऊपर बुद्ध मॉन्क के कमरे है। तो गाइस ये मंदिर की एंट्री है, यहाँ से इक्विरा देवी मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ बाहर से शूटिंग कर रहे हैं, फिर भी देखते चेक करते अगर हमको शायद परमिशन मिल जाए अंदर शूटिंग करने की। इक्विरा देवी मंदिर ये कारला गुफा के पास स्थित है। इस देवी को परशुराम की माता रेणुका का अवतार मानते हैं, तो चलिए लेते हैं इनके दर्शन। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है मैप्रो गार्डन, और ये है यहाँ की पार्किंग जो काफी स्पेसियस है। गाइज हम आए हैं लोनावाला के नेक्स्ट स्पॉट पे, जो है मैप्रो गार्डन। महाबलेश्वर का मैप्रो गार्डन तो मैंने आपको दिखाया है, वो आप मेरे मैप महाबलेश्वर के सीरीज़ में चेक कर सकते हो, उस वीडियो को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ मैप्रो गार्डन जो है लोनावाला में, तो बस इसे विजिट करेंगे, देखेंगे कि ये कैसा है अंदर से और यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है,
तो बस चलिए मेरे साथ इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे फलेरो, मजाना के चॉकलेट्स के कुछ पैकेट्स, उनमें भी वैरायटीज, काफ़ी वैरायटीज दिख रही है। जेली चॉकलेट्स है, स्ट्रॉबेरी की स्पेशल जेली चॉकलेट्स भी इनके पास है। फलेरो फ्रूबा और उस पर गोवा का ये है पिक्चर, तो यानी कुछ गोवा से बने हुए चॉकलेट्स हो गए ये। कोको चिप कुकीज, यहाँ पे खाखरा भी मिलते हैं, इनके होममेड खाखरा रहते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे रहते हैं। इवन लॉन्ग टाइम रहते हैं अगर आप लेके जाते हो, काफ़ी फ्रेश रहते हैं। गाइज ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर्स, यानी काफ़ी फ्लेवर्स दिख रहे हैं इसमें और साथ में स्क्वाश एंड सिरप्स भी है। साहिल दिस इज समथिंग डिफरेंट, पूरा पैकिंग ही अलग है। शरबत का पैकिंग देखिए कितना मस्त है, केसर शरबत। ओके सो दे हैव पैक दिस पे ग्लास बॉटल रहेगी शायद, हाँ मे बी केसर है ना। गाइस यहाँ पे वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स है, आलमंड चॉकलेट्स, डेट्स, डार्क चॉकलेट्स भी है। साहिल यू वांट टू टेक डार्क चॉकलेट्स? मिल्क चॉकलेट्स। ओके सो चॉकलेट लवर के लिए इनके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत वैरायटीज हैं। गाइस यहाँ पे काफ़ी डिप्स है, फ्रूट डिप्स है, ये पाइनएप्पल का है, उसके साथ साथ रॉ मैंगो डिप है। ये चीज़ वहाँ पर मैंने नहीं देखी थी, है ना साहिल? वहाँ नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। सो यहाँ पे डिप्स है इनके पास, देयर इज़ पिज़्ज़ा सॉस, इवन स्ट्रॉबेरी डिप है, रॉ मैंगो डिप है। सो इट इज़ मैप्रो स्वीट गुलकंद, वेरी गुड फॉर समर्स। गाइस काफ़ी वैरायटी ऑफ जैम है इनके पास, स्ट्रॉबेरी जैम, मिक्स फ्रूट जैम, ऑरेंज जैम एंड लास्ट वन इज़ पाइनएप्पल। वन मोर इज़ देयर, मैंगो जैम भी है इनके पास। दिस आर वैरायटी ऑफ टॉपिंग्स, चॉकलेट सिरप्स एंड स्ट्रॉबेरी क्रश, बटर स्कॉच, जो बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद करते हैं उसके लिए है इनके पास, और साथ में है स्ट्रॉबेरी, या स्ट्रॉबेरी क्रश इज देयर। टोमेटो केचप, गाइस शरबत में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है, जैसे ये है ठंडाई शरबत, खस का है, इट्स वेरी गुड फॉर समर्स। रोज इज ऑल्सो गुड फॉर समर्स, और केसर ये ठंडियों में लोग लेते हैं, सो या गुड वैरायटी। और ये क्या है, कुछ अलग है। I feel this is, yeah, this is also strawberry. के लिए गाइज मंचिंग के लिए भी इनके पास है मल्टीग्रेन नाचोस, चीज़ डाला हुआ, तो काफ़ी फ्लेवर्स इसमें लग रहे हैं। चलिए देखते टेस्ट करते क्या है टेस्टिंग को। ओके दिस आर चीज़ नाचोस, ऑनियन, सेसमी एंड मेथी, और ये वो कौन सा है, ये घी स्पिनेच है। ओके अच्छा ये खाखरा के टेस्टिंग्स है, और नाचोज में आपके पास चीज़ में नाचोज है और स्वीट चिली। सो अगर हमको खाखराज लेना है तो यहाँ पर से, ठीक है। इस खाखरा का छोटा सा काउंटर जो स्टार्टिंग गेट के पास था, उसी में काफ़ी वैरायटी में यहाँ पर है। जीरा खाखरा है इनके पास, चीज़ मस्ती खाखरा है, हम लोग ने ये लिया था वहाँ से महाबलेश्वर से और काफ़ी अच्छा था, सो आई प्रिफर दिस। एंड ये लेते साइड लेते चीज़। ओके चीज़ खाखरा, सो गाइस हमने लिए ये खाखरा। गाइज इनके पास वैरायटी ऑफ जेली चॉकलेट्स है, आप देख सकते हो, डिफरेंट शेप, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कलर्स, और इनके पास है फलेरोस, फ्रूबा,
गाइज हमने यहाँ से खाखरा बाय किया है। अब इसके सामने ही इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेश क्रीम मिलती है, स्ट्रॉबेरी फ्रेश क्रीम। तो चलिए देखते हैं और टेस्ट करते हैं उस क्रीम को। उसके साथ साथ इनका बहुत प्यारा सा आउटसाइड गार्डन है जहाँ पर लोग सेल्फीज करते हैं और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं। तो इसका भी व्यू मैं आपको देती हूँ। अब गार्डन काफ़ी मेंटेन्ड है तो चलिए देखते हैं इसे। गाइज ये मैप्रो का रेस्टोरेंट है जहाँ पे वैरायटी ऑफ आपको खाने के स्नैक्स मिलेंगे, जैसे पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, मॉकटेल्स और डेजर्ट्स भी है। फ्रेश आइसक्रीम यहाँ पर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और हॉट बेवरेजेस में आपको कॉफ़ी, टी मिलेगी। सो बस हम कुछ ट्राई करते हैं अभी। फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम है नहीं है, फ्रेश चॉकलेट है, सिर्फ चॉकलेट क्रीम है। चॉकलेट क्रीम वन, एक चॉकलेट क्रीम। तो गाइस हमने ये चॉकलेट विथ क्रीम लिया है, विथ आइसक्रीम है अंदर। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ऊपर से उन्होंने चॉकलेट सिरप डाला है, चॉकलेट फ्लेवर्ड क्रीम है और फ्रेश है एकदम, व्हिप्ड क्रीम। अंदर से देखते हैं आइसक्रीम कैसा है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, धूप है बाहर इसलिए ठंडा ठंडा खाने को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यहाँ सुंदर गोल्डन फिश का एक पॉन्ड बनाया है और साथ में सेल्फी पॉइंट के लिए आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है। गाइज हमने यहाँ के फेमस A1 चिक्की मार्ट से चिक्की और फज की भी शॉपिंग की। नेक्स्ट स्पॉट है सुनील वैक्स म्यूजियम जो एक मॉल में बनाया गया है, तो चलिए देखते हैं इसे। गाइज अब आए हैं हम सुनील वैक्स म्यूजियम को देखने के लिए जो लोनावाला का काफ़ी फेमस स्पॉट है जहाँ पे जो भी टूरिस्ट या जो भी घूमने लोग आते हैं वो ज़रूर इसको विजिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वैक्स म्यूजियम को। यहाँ सेलिब्रिटीज़ की यहाँ पे स्टैचूज बनाए गए, तो इसे जाकर देखते हैं कि कैसे है ये स्टैचूज। गाइज यहाँ की एंट्री फ़ी है सुनील वैक्स म्यूजियम की, वो है पर हेड 200 रुपीज़। तो हम बस ले रहे टिकट्स और जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। गाइज अभी एंट्री की है हमने वैक्स म्यूजियम में, तो फर्स्ट स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज का है। फाइटर्स के स्टैचूज लगे हुए हैं।
सो गाइस यहाँ पे अभी सब पॉलिटिशियंस के है, रामदास आठवले है, नरेंद्र मोदी जी है, फिर बी आर अम्बेडकर जी है, फ्रीडम फाइटर्स है, भगत सिंह है, फिर यहाँ पे ये गोपीनाथ मुंडे जी का है। स्टैचूज काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, एकदम रियल लाइफ फेशियल एक्सप्रेशंस और सब उन्होंने दिया है इन स्टैचूज को। यहाँ पे सब स्पोर्ट्स पर्सन्स है, डिएगो मैरिडोना है, रोनाल्डो है, हमारे एयरफोर्स पायलट अभिनंदन का है, बॉलीवुड में सोनू सूद है, फिर ये लायंस क्लब के लायन मेलविन जोन्स, लाइवा रजनीकांत जी का स्टैचू है, फिर यहाँ पे हरभजन सिंह जी है, फिर कपिल देव है, एमएस धोनी है, विराट कोहली है, और फिर यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है, यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट ठाकुर अनूप सिंह है, यहाँ पे जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉजनन, फिर एंजेलिना जोली, अमरीश पुरी जी का है, लता मंगेशकर जी, हरिहरन जी, ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान है, वेंकटेश एक्टर, पॉलिटिशियन जया ललिता, लास्ट में यहाँ पे प्रभुदेवा का भी स्टैचू है, जैकलिन फर्नांडिस, सलमान खान, करीना कपूर, फिर यहाँ पे बिग बी अमिताभ बच्चन का, माइकल जैक्सन, इंडियन सिंगर साय का भी फोटो है, गुरु बाबा रामदेव है, मदर टेरेसा, चूल्हे पे साई बाबा है, वामन राव पई, दलाई लामा, ग्रेट स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब पुरंदरे, रविशंकर जी पे है, क्वीन एलिजाबेथ, मिस्टर बीन है, पॉपुलर टीवी सीरियल रोल मिस्टर बीन का रोहन एटकिंसन ने किया था, उसका भी स्टैचू है यहाँ पे। यहाँ पे अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला। गाइस वैक्स म्यूजियम करने में हमें लगे सिर्फ 15 to 20 minutes लगे, क्योंकि हमने किसी भी तरह के फोटोग्राफी नहीं की, हमने सिर्फ वीडियो निकाला आपको दिखाने के लिए। अगर आप आते हो तो आपको अराउंड 40 मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि हर स्टैचू के साथ लोग फोटोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं। ये है लोनावाला डैम। ये डैम लोनावाला सिटी को लोनावाला लेक से सेपरेट करता है और साथ ही में लोनावाला सिटी को प्रोटेक्ट करता है पानी के ओवरफ्लो से। हम पहुंचे अब लोनावाला लेक के पास और आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना बड़ा, इतना ह्यूज लोनावाला लेक है, और ये मॉनसून में पूरी तरह से भर जाता है, लेकिन समर जाने तक ये पूरा सूख जाता है। और इसके साथ ही लगकर ये माउंटेन्स हैं, जहाँ पर पूरी ग्रीनरी और वाटरफॉल्स नज़र आते हैं। लोग इवनिंग में यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आते हैं और डे स्पेंड करने भी आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे कि काफ़ी भुट्टा वगैरह खाने के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आराम से लोग आके बैठ के एंजॉय करते हैं। गाइज़ ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये लोनावाला लेक के पास का ब्रिज है, जहाँ पर लोग टाइम स्पेंड करते हैं इवनिंग में। आप देख सकते हो कि भुट्टा के जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पे स्नैक्स भी मिलते हैं जैसे मैगी भुट्टा, तो इवनिंग में यहाँ पे यंगस्टर्स है या टूरिस्ट है वो आके लोनावाला लेक को एंजॉय करते हैं। गाइज इस तरह के मोबाइल स्टॉल्स है यहाँ पर खाने के लिए। चलिए चलते हैं लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट को देखने। गाइज यहाँ पर पार्किंग होती है अगर आप टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट को देखने आते हो लोनावाला में, और ये पार्किंग के रेट्स है 2-व्हीलर के 20, 4-व्हीलर के 50, और बस अगर आप लेकर आते हो तो 100 रुपीज़।
गाइज ये है लायंस पॉइंट यहाँ का लोनावाला का। काफ़ी फॉगी वेदर है तो शायद आपको व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर ना मिले, लेकिन बहुत ही सुंदर पॉइंट है। गाइज ये एक रिलैक्सिंग पॉइंट है यहाँ पर ही, जहाँ पर लोग आराम से बैठ के इस व्यू को एंजॉय करते हैं। गाइज ये लायंस पॉइंट पर कुछ स्टॉल्स भी है जहाँ पर आप स्नैक्स भी ले सकते हो, तो यहाँ पे टी कॉफ़ी स्नैक्स की काफ़ी शॉप्स है। हमारे टाइगर पॉइंट पे यहाँ पर आप सेम पार्किंग कूपन यूज़ कर सकते हो जो आपने लायन पॉइंट पे ली है, वहाँ से हार्डली 200 मीटर्स पर ही ये पॉइंट है। और जो लायन पॉइंट है वो आपको लोनावाला लेक से अराउंड 8 किलोमीटर्स पड़ेगा, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोनों तरफ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स के प्लांट्स देखने मिलेंगे और पूरी ग्रीनरी है। और ये आज का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ फॉग, लेकिन ये पॉइंट पर लोग आकर रिलैक्स होते हैं, बैठते हैं और यहाँ के वेदर को एंजॉय करते हैं। मैं आई हूँ खंडाला लेक के पास और इसका व्यू देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। ऊपर पूरा फॉग है और आसपास की जो सीनरी है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर सीरियसली बैठकर इसका व्यू लेने की एक अलग ही मज़ा है। राजमाची व्यू पॉइंट, ये खंडाला का एक पॉइंट है जहाँ पर लोग आके रिलैक्स करते हैं। और यहाँ के आसपास का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ऑसम है। यहाँ से वाटरफॉल भी दिखता है और उसके साथ साथ जो वैली दिखती है उसका नाम मुझे लगता है टाइगर वैली कहा जाता है उसे, और ये सनसेट पॉइंट भी इसी को माना जाता है। तो ये व्यू मैं आपको दे रही हूँ, बस इस व्यू को आप एंजॉय करिए। अब खंडाला व्यू पॉइंट पे और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। पीछे जो आपको जो दो लेन्स दिख रही है ये है पुणे एक्सप्रेसवे और पुणे हाईवे, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर लोग रुककर काफ़ी स्नैक्स करते हैं, यानी स्नैकिंग की भी जगह, और उसके साथ साथ इस व्यू पॉइंट को भी एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस व्यू को एंजॉय करिए। सो गाइज यहाँ पे ये खंडाला से अराउंड 1 किलोमीटर दूर खंडाला घाट व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे आपको आजू बाजू की सारी पहाड़ियाँ दिखने को मिलेगी। फिर नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है, फर्स्ट है ये मुंबई पुणे हाईवे खंडाला घाट का, और ये उसके बाजू में है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो इस तरफ राइट साइड में पुणे की तरफ जाता है और लेफ्ट साइड में नीचे मुंबई की तरफ जा रहा है। तो आप इस पॉइंट को एंजॉय कीजिए। गाइज अगर आप पुणा साइड आते हो या लोनावाला साइड आते हो तो यहाँ के मिसल बहुत ही फेमस होती है, तो बस हम अब ट्राई कर रहे हैं मिसल को।
थोड़ा स्पाइसी है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छी है। ये हम आए हैं MM कैफ़े में जो खंडाला हाईवे पर ही है, खंडाला लोनावाला हाईवे पर, तो टेस्ट काफ़ी अच्छी है। गाइस आज का ट्रिप लोनावाला का यहीं पर एंड होता है और इस वीडियो को भी यहीं पर मैं एंड करती हूँ। अब चलेंगे घर की तरफ, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।